नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है, आईएएस स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए आज देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आईएएस स्टडी ट्रैक, जो कि लगभग जिसके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो अभी तक डल चुके हैं और आगे भी इसी तरह हम वीडियो डालते रहेंगे। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 46। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर है अमीनो अम्ल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है जेम्स वाट, संत तथा क्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कार्ल वर्न और लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य दिखने का कारण कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो इसका उत्तर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, देश का 75% लोहा किन राज्यों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर है एड्रिनल ग्लैंडस से। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका उत्तर है समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है? तो इसका उत्तर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका उत्तर है रेफलेसिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है बिचट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर है मादा हाथी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, डी और ई और के जो विटामिन होते हैं वह बसा में घुलनशील माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है बी सी। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है गैलीलियो साहब ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। एग्रेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो इसका उत्तर है वर्षा वन जो बड़ी वनस्पति होती है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है? तो इसका उत्तर है देहरादून में। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका उत्तर है गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है यकृत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है प्लेटिनम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर है प्रोपेन। और ब्यूटेन गैस कुकिंग गैस में पाई जाती है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है गोल्डस टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है एथोनाइक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु एटाई रोग पैदा करती है? तो इसका उत्तर है कैडमियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो इसका उत्तर है साइकस, जो है एक जीवित जीवाश्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर है जेएच वॉन्ट हॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन जो है इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका उत्तर है जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका उत्तर है रेफलेसिया। और मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने पर आता है? तो इसका उत्तर है थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन
पाया जाता है, तो इसका उत्तर है डी और के जो है सूर्य की रोशनी में पाया जाता जाने वाला विटामिन है। और ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो इसका उत्तर है माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो इसका उत्तर है 1971 ईस्वी में। और वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है, तो इसका उत्तर है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो इसका उत्तर है एक क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ने लाइट किसका खनिज है, तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड में होता है, तो इसका उत्तर है वैद्युत संयोजन बंधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, तो इसका उत्तर है बाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है मोती बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो इसका उत्तर है विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है, तो इसका उत्तर है आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो इसका उत्तर है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्र में ज्वारभाटा कब आता है, तो इसका उत्तर है अमावस्या पूर्णिमा को। और वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है, तो इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलक चालक बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है तांबे के। और अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो इसका उत्तर है एसिडिक जो है अमोनियम क्लोराइड का घोल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका उत्तर है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका उत्तर है मीथेन। तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के बारे में आज यहाँ पर देखा है। और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। प्लेलिस्ट पर हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के, गणित के और जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मध्य प्रदेश से संबंधित, यूपी जीके से संबंधित और ऑल इंडिया जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए करना क्या होगा कि आपको कमेंट में आप नंबर लिख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक में सर्च करें स्टडी ट्रिक और आप फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं आप देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आगे भी इसी तरह से हमें सलाह देते रहें कि किस प्रकार से वीडियो हम अपलोड करें, तो हम उस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।